2024 में होगी उद्धव की अग्नि परीक्षा, ठाकरे ब्रांड को लगा है झटका। आपको बता दें, कभी पुरोगामी विचारधारा की वाहक कही जाने वाली महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में बड़े उलटफेर दिखाई दिए। इनमें से वर्ष 2023 तो राज्य की सियासत में काफी उलटफेर वाला रहा। इनमें सबसे ज्यादा झटकी यदि किसी एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को लगा है तो उसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिया जा सकता है। शिवसेना प्रमुख स्वयं बालासाहेब ठाकरे के राजनीतिक वारिस कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने ही लोगों की बगावत के चलते 2022 में न सिर्फ सत्ता खोई बल्कि वर्ष 2023 में उन्हें पार्टी के नाम व निशान से भी महरूम होना पड़ा। शिवसेना पार्टी से पहले विधायक और बाद में पार्टी का नाम और निशान दोनों हथियाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे। भाजपा के सहयोग से लगातार लगते राजनीतिक झटकों से उद्धव ठाकरे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। यहां तक कि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के 84 पूर्व नगर सेवकों में से 50 नगर सेवकों को मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने पाले में कर लिया है। पिछले लगभग 30 वर्षों से देश की सबसे धनी मुंबई महानगर पालिका पर ठाकरे परिवार का ही वर्चस्व रहा है। बदले राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच समय पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव न होने से भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी है। मुंबई के अलावा थाने, कल्याण, नासिक व अन्य महानगर पालिका में भी रहे सत्ताधारी नगर सेवक उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं।